अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सायमा शाहीन और आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल चिनाब टीवी के साथ। तो आइए नज़र डालते हैं आज की खास सुर्खियों पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने आज जिला डोडा का दौरा किया। आज जिला रामबन में ड्रग एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम का इनाकाद हुआ। आज जिला डोडा में ट्रैफिक महकमा की तरफ से रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का इनाकाद हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर साहब की सालाना अरसे कारवा पर जिला बानीहाल में प्रोग्राम मनाया गया। मैं हूं रिंकू सोमनिया, तो आप खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद ने अपने खिता चिनाब के दौरे के दौरान यहां डोडा में नामा निगारियों से बात करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में शहरी हलाकतों से वो अवसाद हैं। इस तरह के वाकात पहले भी होते थे, उस वक़्त गाड़ियों में ब्लास्ट या दूसरे तरीकों से सियासी लीडरानों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन हुकूमत ने उसका हाल तलाश किया और काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया। अब हुकूमत को चाहिए कि वो इन मामलों की तहकीकात जारी रखें ताकि कैसे बंदूक बरदार सॉफ्ट टारगेट क्लिंग कर रहे हैं। इसमें अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। पहले जब कोई ऐसा वाका रोनमा होता था तो वारदात को अंजाम देने वाले 2-3 दिन के अंदर पकड़े जाते थे। आज़ाद ने शहरियों की हलाकत पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि इन मामलों की तहकीकात होनी चाहिए, बंद पहले होना नहीं चाहिए। मजहबी जगह कहीं भी दुनिया में हो, वहाँ हर धर्म हर मज़हब के इंसान को जाने की इजाज़त होनी चाहिए। चाहे दो देशों के बीच में पॉलिटिकल संबंध अच्छे हों या ख़राब हों, लेकिन उसमें धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। पहले तो बंद होना नहीं चाहिए था, बंद हो गया तो अच्छी बात है। कहते हैं कि नॉर्मली ख़ास तौर से ये बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी फिक्र की बात यह है कि पिछले दिनों में जो किलिंग्स हुई है और टारगेटेड किलिंग्स हुई है उसमें कोई पकड़ा नहीं गया। नॉर्मली जब भी कोई किलिंग होती है तो 2-3 दिन में कोई ना कोई पकड़ा जाता है, लेकिन जितनी भी अभी ये टारगेटेड किलिंग हुई है इसमें कोई अभी पकड़ा नहीं जाता है। पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि, क्योंकि ये कोई दूसरी एजेंसी ऑपरेट कर रही है, मिलिटेंट्स एजेंसी होगी, लेकिन चूंकि उनका मोडस ऑपरेंडी है, उनके काम करने का तरीका डिफरेंट है। जहाँ शुरू में मिलिटेंसी हमारी स्टेट में शुरू हो गई थी तो उस वक़्त 2-3 चीज़ें अलग अलग वो करते थे, ब्लास्ट करते थे और फिर AK-47 इस्तेमाल करते थे, फिर कार में लोगों को मारते थे। उसका इलाज गवर्नमेंट ने निकाला, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो लीडर्स थे उनको भी या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, फिर ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, फिर ग्रेनेड के लिए भी वो कुछ न कुछ स्टेट ने एक हल निकाला कि इसको कैसे रोका जाए। अब ये जो बिल्कुल पास में आके छू के या किसी आदमी के साथ बिल्कुल बगल से गुजर रहा है और गोली मार के जा रहा है और पता नहीं चल रहा, तो इसको जब तक कोई कोई पकड़ा जाए एक आदमी भी, तो उससे इसका पूरा इलाज हो सकता है कि क्या मकसद है, ये कैसे करता है, ये गोलियां कहाँ से, ये रिवॉल्वर कहाँ से लाते हैं, तो पकड़ना ज़रूरी है। कई चीज़ें हैं उसमें, पहले जो फ्रीडम थी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ साल पर, वो आज फ्रीडम नहीं है, वो आज़ादी नहीं है सियासी पार्टियों को। जो दूसरी पार्टियां जो सरकार में है यहाँ या नेशनल लेवल में, बहुत दबाव डालती हैं दूसरी पार्टियों को, उनके काम नहीं होते। हमारे वक़्त में कभी 2 चीज़ें नहीं पूछी जाती थी, काम देने के लिए सड़क देना हो, स्कूल देना हो, डिस्पेंसरी देना हो, नौकरी देना हो, प्राइवेट कोई काम करे, सड़क पे काम करे, कंस्ट्रक्शन में काम करे, न उसका मज़हब पूछा जाता था न उसकी पार्टी पूछी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से अब पार्टी अगर दूसरी पार्टी का हो, चाहे
किसी मजहब का हो, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी का है तो उसे काम नहीं मिलेगा। सिर्फ रूलिंग पार्टी से एसोसिएटेड होना है उसी को काम मिलेगा। ये जमहूरियत में बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है और इसका जम्मू प्रोविंस में और ख़ास तौर से चनाब वैली में बहुत बुरा असर पड़ा है कि मैं देख रहा हूँ कल भी जितने लोग मिले आज भी मिले कि भाई कोई कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, कांग्रेस का हूँ, दूसरी पार्टी का हूँ, रूलिंग पार्टी का नहीं, इसलिए उसको कोई काम नहीं मिलेगा, उसका कोई टेंडर अप्रूव नहीं होगा। तो ये हैरेसमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनके साथ तो बड़े पैमाने पर हो रही है। मुझे उसके बारे में अब अगर वो निष्पक्ष बनाए जैसे पहले होती थी हमारे वक्त में, कोई उसमें पॉलिटिकल दखल नहीं होता था तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर टेबल पे बनाई जाए और किसको किस गांव को किससे जोड़ता है, किस लीडर को किस किस तरह से मारना है दूसरी पार्टी के, तो फिर तो नुकसान होगा, फिर वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आज तक जितने भी कमीशन बने हैं शुरू से ही कभी ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमने कभी कमीशन को बताया कि कैसा होना चाहिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। लेकिन अगर मैंने उसी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से कमीशन के कहने से किया जाए और उनकी सलाह ली जाए तो स्टेट को फ़ायदा होगा, और तोड़ जोड़ के अगर किया जाए कि पार्टी के कहने से कमीशन चलाए बनाए तो जाहिर है उससे और पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। ढाई सालों में 5 अगस्त से लेकर 2019 से आज तक जो तनाव बढ़ा है सोसाइटी में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में तनाव बढ़ा है, दूरियां हो गई है, वो दूरियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये आपने अभी बहुत दूर की बात की, आप इधर क्यों आते हैं इसको, तो वो बहुत दूर की बात अभी की। अभी तो जम्मू कश्मीर में माहौल बनाना है, क्योंकि 2.5 साल 2.25 साल हुए पब्लिक मीटिंगें नहीं हुई, कुछ 5 अगस्त 2019 के रिएक्शन की वजह से स्टेट को डिवाइड करने की वजह से और कुछ कोविड की वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरे ख्याल में 2.25 महीने हो गए कि पब्लिक मीटिंगें नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर में माहौल बनाना है, एक सियासी माहौल बनाना है, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है ताकि लोग इलेक्शन में हिस्सा लें। आज जिला रामबन में ड्रग एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जिनोशेदी दोस्त मेलिन की तरफ से मुजाहिरा कैंप का इनाकाद किया। इस प्रोग्राम का इनाकाद ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन डॉक्टर मोहम्मद फरीद, मेडिकल ऑफिस सुप्रीडेंट डॉक्टर हमीद जरगर और इनके अलावा कई अफसरान ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर आवाम से बात करते हुए रियासती ड्रग कंट्रोलर लुतिका खजूरिया ने कहा कि इस प्रोग्राम का अहतमाम सरदार वलीद भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया गया। रामबन से ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं, इसमें जो प्रधानमंत्री में है जो भी ये बनती है मेडिसिन WHO GMP प्लांट से ही बनती है, 70% लो कॉस्ट में हमें मिलती है और वो अपनी जो ट्रीटमेंट है वो पूरी करवा सकते। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है ये हमने 2019 में स्टार्ट की थी और आज तक हमारे यहाँ पे 68 स्टोर्स विदिन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, पर ये नंबर बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs एंड जो भी सेंटर्स हैं वहाँ पे ये प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खुले और लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिलें, क्योंकि इसमें जो है 50 से 60% सस्ती होती हैं दवाइयाँ, तो हम आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का भी ये एक ड्रीम है कि हम लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये दवाइयां सस्ती प्रदान करें। वो साहब भी हैं, उन्होंने एश्योर किया है कि अभी तक तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 1-2 केंद्र हैं जो कि खुले हैं, पर उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम 5-6 केंद्र पहले फर्स्ट फेज़ में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आप ये इंश्योर रखिए कि ये जो दवाइयाँ हैं इनकी क्वालिटी जो है एश्योर्ड है, क्योंकि ये बहुत अच्छी मेडिसिंस हैं, क्वालिटी मेडिसिंस हैं, बहुत ही सस्ती जो है प्रधानमंत्री जी की योजना के थ्रू आम जनता के पास पहुंच रही है।
बुलडोडा में आज ट्रैफिक महकमा की तरह से काउंसलिंग एंड रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि ड्राइवरों को उजागर करना था ताकि वो पहाड़ी इलाकों में ओवरलोड सवारियां अपनी गाड़ियों में ना चढ़ाएं। हमारे नुमाइंदा परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। उनके साथ मिलकर जहाँ के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको उनकी काउंसलिंग रोड सेफ्टी के बारे में, कोविड के बारे में और ओवर चार्जिंग, ओवर लोडिंग सभी चीज़ों के ऊपर बात हुई खुल के, और सभी को ये बताया गया कि जितने भी हमारे ट्रैफिक के रूल हैं उनका पालन करें। ये हमारा जॉइंट रहा आज का अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जहाँ पर DSP और इनकी पूरी टीम जहाँ पर थी, और आज का यही प्रोग्राम था कि आने वाले टाइम में जितने ये ट्रैफिक जिस हमारी रोड एक्सीडेंट उनको हम कैसे कम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग इन ड्राइवर्स की जो भी स्टेक होल्डर हैं उनकी कर सके ताकि जितने भी हमारे ट्रैफिक के कानून हैं ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरलोडिंग ना करें। दूसरी ऐसे विंटर का सीजन शुरू हो रहा, आने वाले टाइम में जब बहुत सारे रोड जो है आइसी हो जाएंगे, कोहरा लगेगा, और उस लिहाज से उनको किस स्पीड से गाड़ी चलानी है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी बातें उनके साथ हुई। और आज का ये सीधा यही है सर, उसके अलावा देखा जाता है कि लिंक्स रोड पे जो है गाड़ियां जो है ओवरलोडिंग करती है, पैसेंजर गाड़ियां जो है वो मटेरियल लोड करने का सामान उठाती है। आपका ठीक कहना है कि बहुत सारी वायलेशन जो हमारे ऑपरेटर जो हैं, जो ड्राइवर हैं, जितने गाड़ी वाले करते हैं, उसके लिए ही ये आज का काउंसलिंग का उनके काउंसलिंग की गई, उनको वार्न भी किया गया और उनको सख्त ये बता दिया गया कि आने वाले टाइम में ओवरलोडिंग ओवर चार्जिंग के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। रोड सेफ्टी जितने भी नाम्स हैं उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और सख्त, हमने कल ही एक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया है एक हैबिचुअल वायलेटर का, ऐसे भी आने वाला टाइम है 7-8 लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जो है हैबिचुअल वायलेटर के सस्पेंड कर दिए, और आने वाला टाइम और सख्ती लाएंगे जिसमें परमिट भी सस्पेंड होंगे, हैबिचुअल जो भी ड्राइवर्स होंगे हैबिचुअल वायलेटर्स होंगे बार बार रिपीटेड ऑफेंस करेंगे उनके परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे, कैंसिल होंगे। सर आपका नाम? अख्तर हुसैन मलिक, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मिनी बस ट्रांसपोर्ट स्टेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा। ड्राइवर्स को यहाँ पे यही चीज़ें समझाई जाती हैं इन प्रोग्राम्स में कि ओवरलोडिंग ना करें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ड्यूरिंग द ड्राइविंग जब आप गाड़ी चलाते हो तो मोबाइल यूज़ नहीं करें, अपनी गाड़ी के वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करें। यही प्रोग्राम होते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। कितना टाइम हो गया आपको इस एसोसिएशन में? मुझे इस एसोसिएशन में काफ़ी अरसा हो गया सर, इतने अरसे से इतने कई प्रोग्राम्स हुए, कई अवेयरनेस कैंप किए गए, कई बार ड्राइवर्स की काउंसलिंग की गई, लेकिन उसके बाद भी बदलाव देखने को नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि अब बदलाव होगा? देखो कुछ ना कुछ तो हो जाता है, अगर ये प्रोग्राम किए हैं तो कुछ ना कुछ तो हो जाता है, चाहे 10% हो लेकिन हो जाता है। और हम ये उम्मीद ड्राइवर भाइयों से ये उम्मीद करते हैं कि उनको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो यहाँ पर ये प्रोग्राम होते हैं। अगर अफसर डिस्ट्रिक्ट अफसर कोई भी आता है, जैसे RTO साहब आए या DSP साहब आए, उन्होंने अपना समय निकाला, टाइम निकाला, अपना बिजी शेड्यूल छोड़ के वो यहाँ पे आए, तो हमारे ड्राइवर भाइयों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, उनको इस चीज़ उस पर वो अमल करना चाहिए, उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, और फ़र्क पड़ता है इन अवेयरनेस कैंप से, फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा मेरा आपसे सवाल एक रहेगा कि आपकी मिनी बसेस के कुछ ऐसे ड्राइवर हजरात हैं जो ओवर लोडिंग करते हैं लिंक्स रोड पे या अभी जो नए नए रोड्स खुले हैं, तो उन पे कोई एक्शन होगा? एक्शन होना चाहिए, ओवर लोडिंग के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ओवर लोडिंग जो भी गाड़ी हमारी करती है, आप इसमें हमारे जो भी इसमें कंसर्न अफसर हैं DSP साहब हैं या ARTO साहब, हम उनको यहाँ से ही ओवर लोडिंग जो वाली गाड़ियाँ हैं उसमें कोई सबेर नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आपके इस वसादत से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी जो हमें अभी इंस्ट्रक्शन मिली है यहाँ पे DSP साहब की तरफ से या RTO साहब की तरफ से, जो गाड़ियों में जो जालर लगे हुए हैं आगे से जाले, जिससे गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, मैं आज ही आप ड्राइवर हजरात को बता देना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी से उतार दें और स्पीडिंग बंद करें, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है ओवर लोडिंग बंद करें। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की तरफ से, हमारा है हमारे एडवाइजर साहब हैं या जज सरफराज साहब, उनकी तरफ से, उनकी सबकी तरफ से अपने ड्राइवर साहब को मैसेज देना चाहता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के कि वो इन चीज़ों से बाज आएँ। उसके अलावा बस स्टैंड की मैं बात करूँगा तो बस स्टैंड में बहुत सारे जाम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो है मिनी बसेस को बाहर रहना पड़ता है, बाहर रोड पर देखने को मिलती है, उसकी वजह से सिटी में काफ़ी जाम होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो इसके बारे में हमने जो ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब आए नहीं, इनसे कोई मीटिंग नहीं इस बारे में हुई, लेकिन जो पहले DC साहब थे वहाँ पे एक एक गाइडलाइन एक वो बना हुआ था शेड्यूल कि एग्रीकल्चर जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पर एक वो नाका लगा हुआ था, वहाँ से कोई गाड़ी बस स्टैंड के लिए एंटर नहीं होती थी,
लेकिन आज वहाँ पर वो कोई नाका नहीं है। अगर वो चीज़ ये रोक दें, खान प्लाजा जहाँ पर है वहाँ से भी तोंदवा वाया तोंदवा जो नीचे से गाड़ियाँ आती हैं उनको बंद किया गया था, लेकिन आज वो सारी गाड़ियाँ खुली हैं। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ध्यान दे, हम बार बार ये चीज़ कहते हैं कोई जैमिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ये वन साइडेड गाड़ियाँ चलें वो चीज़ वहाँ से दो नाके लग जाएँ, पुलिस दो चार बंदे लगते हैं, कोई जैमिंग नहीं होगी। दूसरी और भी जो पर्सनल लोगों के जिनकी गाड़ियाँ हैं वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही है। लेकिन जो बस स्टैंड की जहाँ तक बात है, इशू है ये डोडा में बहुत बड़ा इशू है बस स्टैंड का, लेकिन इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारा काम तो यही है कि हम बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपने इसमें क्या, हम बताएं अगर वहाँ पर ये दो नाके लग जाएं तो बस स्टैंड में कोई जाम नहीं होगा। प्राइवेट गाड़ियों की जो पार्किंग होती है उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो कोई जाम की कोई बात नहीं है, जाम नहीं लगेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर साहब का सालाना अरसे कारवा बानीहाल में मुनक्किद हुआ, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। दस्तगीर साहब के अर्स में बानीहाल चिनाब वादी कश्मीर से हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और रात भर दुआएं की। बुधवार को तमाम नमाजों के बाद दस्तगीर साहब के दस्ते मुबारक को जाहिर किया गया। पुलिस इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजामात तैनात किए। हैदरपुरा इनकाउंटर में मतकूल मोहम्मद आमिर का दावा है उसका बेटा अस्क्रियत पसंद नहीं था। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम स्ट्रगल के लिए लड़ते रहेंगे। तो देखिए मेहरान वानी की रिपोर्ट। मोहम्मद लतीफ साना फार्म सुल्तान मावी आरू शेरीपुरा खुशहालपुर में रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा श्रीनगर में मजदूरी कर रहा था 5-6 महीने से, और आज सुबह मैंने 9 बजे सुना कि उसको आर्मी ने और पुलिस ने मार दिया। मैं परेशान हो गया। फिर मैं मेरे साथ ये सरपंच आए, 3-4 सरपंच और भाई वगैरह, हमने कहा चलो देखते हैं किसने मारा उसको। उसको इल्ज़ाम लगाया कि ये मिलिटेंट है, जबकि वो हैदरपुरा में मुफ्ती कोर्स करके पांडीपुरा में 2 साल उसने मौलवी कोर्स किया। फिर उसके बाद जनाब देवबंद में चले गया 2 साल, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर घर में वो रहा। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो श्रीनगर में चले गया, 6 महीने के बाद आज जनाब उसको मिलिटेंट करार दिया, जबकि मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए, 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था और पढ़ाया था। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि एक हिंदुस्तानी आदमी पत्थर से मिलिटेंट को मारता है और उसके बच्चे को मिलिटेंट बनाते हैं, उसको गोलियां मार वापस आए और बच्चे की जनाब वो शक्ल भी हमें नहीं दिखाई। वो कैसे उन्होंने दफनाया हमारे देखने के बगैर, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड का फोटो दिखाया कि ये तुम्हारा बच्चा है। ये इंसान पूरा स्ट्रगल करेंगे तब तक जब तक बच्चे की हमें डेड बॉडी नहीं मिलेगी। एक्सपेंच और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। आज बड़ी दुख के साथ इस चीज़ का बयान करना पड़ता है कि जब हमने सुबह 9 बजे के करीब ये सुना कि आमिर लतीफ़ वल्द मोहम्मद लतीफ़ मागरी जो हमारे कज़न हैं इनकी मौत हैदरपुरा में हुई, तो उसको मिलिटेंट करार दिया गया, जबकि इनके वालिद साहब ने 2006-07 में सेना मेडल लिया, आर्मी से अवार्ड लिया और गवर्नर साहब ने इसको अवार्ड दिया। और जब हम यहाँ से गए तो हैदरपुरा के SHO साहब ने, सदर मकाम का SHO साहब जो था, उसने ये बात बताया कि भाई आपका लड़का जो है ये मिलिटेंट है। तो हम बेरंग होकर वापस आए, जबकि हमारे गाँव के कुछ लोग वहाँ मातम, पूरे इलाके के अंदर इस वक्त मातम छाया हुआ है, पूरे इलाके के लोग वहाँ से हमें फ़ोन कॉल पे ये बातें पूछ रहे हैं कि भाई आपने डेड बॉडी लाई और हम खाली बेरंग वापस आए
ये कहां की गवर्नमेंट का कौन सा इंसाफ है सर। और उसके बाद सिर्फ आई कार्ड के जरिए उन्होंने सिर्फ अपने उस वालिद साहब को एक आदमी को उन्होंने आई कार्ड दिखाया। अब मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए चिनाब टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।